YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। मैं दीप्ति और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। दर्शकों, नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, कैंडिडेट बस आते ही जा रहे हैं। दर्शकों, आपने बहुत सुना मीना सिंह की राय, पूनम सिंह की राय, गीता देवी की राय और शीला श्रीवास्तव की राय। तो हमारे सामने एक और नया चेहरा आया जो इस बार मेयर के पद पे खड़ी हुई है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं कि वो कहाँ कहाँ दौरा कर रही है और लोगों को क्या क्या आश्वासन दे रही है। सबसे पहले सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। कहाँ कहाँ आप दौरा कर रही हैं? हम सबसे पहला दौरा किए शिमला में, यहाँ मेरा मैके। दूसरा दौरा किए हम अपने ससुराल, यहाँ पर मेरा रेमा है। तीसरा किए बारल, वहाँ मेरा मामा है। और चौथा दौरा, आज का दौरा मेरा हुआ है सांगपुर में, जो मेरे भाई लोग हैं, मुस्लिम भाई लोग, सबको हम लोग मानते हैं। तो सांपुर में आपको क्या क्या समस्या? बहुत समस्या मिला वहाँ। सबसे बड़ी समस्या तो अभी है पानी, जो कि आधा काम हो करके इसके बाद बचा हुआ है। तो आप लोगों को क्या क्या आश्वासन दे रहे हैं? हम दे रहे हैं कि हम जब मेयर बनेंगे तो हम पानी का समस्या सबसे पहले करेंगे, जो आधा बचा हुआ है उसको हम पूरा करेंगे, पूरे शहर में पानी देंगे। दूसरा समस्या आपका हो गया नाली का, जो गंदगी है, बहुत ज़्यादा गंदगी। तो आप इस फील्ड में पहली बार आ रही हैं, तो आपको कितना समस्या का सामना करना पड़ा? फैमिली सपोर्ट कितना है? हमको बहुत फैमिली लोग, इसीलिए तो हमको खड़ा कर रहे हैं कि हम देहात और शहर दोनों से जुड़े हुए। मेरा मैके हुआ सिंगराम तो बता दिए हम, और शहर हुआ रेणमा, इसलिए हमें सब लोग जो बोल रहे हैं कि आप खराब हैं। मेरा तो क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है आपको? हमको अभी ज़्यादा समस्या का पानी का हो रहा है। पानी के बाद जैसे नाली का समस्या है, रोड पर पानी चल रहा है, मैंने इतनी गंदगी तो है। जैसे नए नए कैंडिडेट आ रहे हैं तो लोग आप पे क्या भरोसा, कैसे आप पे भरोसा दिला रही हैं? लोगों का आप पे कैसे लोग भरोसा करेंगे? उन लोगों का भरोसा है कि हम सेवा करेंगे, सभी लोग समाज सेवा थोड़ा करते आ रहे हैं, इसलिए उन लोग का विश्वास है कि हम सेवा करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, सरकार हमारे डेवलपमेंट शहर के लिए बहुत कुछ कर रही है, बहुत खर्च कर रही है, फिर भी हमारा शहर डेवलप नहीं हो पाया, उसके पीछे क्या रीज़न रहेगा? उसके पीछे तो सरकार का भी नहीं, पूरा पैसा देता भी नहीं है, और कुछ बीच वाले भी हैं, लोग भी पूरा नहीं कर पाते हैं, ठेकेदार लोग हैं, उन लोग को पैसा भी नहीं मिलता है, लोग भी पूरा काम नहीं कर पाते हैं, कोई डिस्टेट हो जाता है। कही आप सबसे पहले कौन सा कदम उठाएगी? हमारे शहर में बहुत सारी समस्या, तो आप पानी की समस्या कैसे दूर करेंगी? फर्स्ट सेकंड फेज का काम करेंगे, उसके लिए नदी हम साफ करवाएंगे, नदी से जहाँ पानी का, उसको हम पानी सुधारेंगे। तो सुना दर्शकों, निर्मला तिवारी कर रहा है, इनका कहना है कि सबसे पहले पानी की व्यवस्था करेंगे, सेकेंड फेज लगवाएंगे। दर्शकों, जनता जनार्दन होती है, सिर्फ उसके हाथ में है कि वोट किसे करे, क्योंकि एक एक वोट बहुत कीमती होती है, तो वो सोच समझ कर फैसला करे और अपना वोट सही जगह पर दे। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए शख्स के साथ, तब तक देखते रहिए सिटी न्यूज़ यानी खबर की तह तक। धन्यवाद।